नमस्कार, मैं मुस्कान, स्वागत है आपका हर्बल 24 में। क्या आपको पता है, हर साल 28 मई का दिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में बताना है, क्योंकि इससे कई तरह के संक्रमण और बीमारियों का खतरा रहता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को हाइजीन पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है, वरना ये कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारियों की वजह बन सकता है। सोसाइटी में पीरियड्स को लेकर फैले मिथ के चलते मेंस्ट्रुअल हाइजीन हमेशा से एक गंभीर विषय रहा है, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। हाइजीन की कमी से होने वाली बीमारियों से हर साल कई महिलाओं की मौत तक हो जाती है, इसीलिए हमें इसे लेकर जागरूक होने की जरूरत है। आप इन टिप्स की मदद से पीरियड्स के दौरान हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, पीरियड्स के समय कंफर्टेबल अंडरगार्मेंट्स चुने जो कॉटन के बने हों और जो पसीना आसानी से सोख लेते हैं। नंबर 2, पीरियड्स के दौरान फ्लो के हिसाब से समय समय पर सैनिटरी पैड, टैम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप को बदलते रहें। आमतौर पर 4 से 6 घंटे में पैड या टैम्पोन्स को बदलना सही रहता है। नंबर 3, पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट के हर इस्तेमाल से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से आप बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकते हैं। नंबर 4, इस्तेमाल के बाद मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट को सही तरीके से डिस्पोज करना भी बहुत जरूरी है। उन्हें पेपर या रैपर में लपेट कर कूड़ेदान में फेंके। नंबर 5, पीरियड्स के दौरान ऐसे प्रोडक्ट को चुनें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जैसे कि कुछ महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं, तो वहीं कुछ टैम्पोन्स और मेंस्ट्रुएशन कप का। नंबर 6, पीरियड्स में निकलने वाले ब्लड में हल्की स्मेल होना नॉर्मल है, लेकिन अगर ये स्मेल बहुत तेज है तो इन्फेक्शन की ओर इशारा कर सकता है। ऐसे में अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें हर्बल चैनल।